नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर टीग्रेस वर्सेस चोलुका। मेक्सिकन लीग का ये मैच 3 मार्च को सुबह 6:30 बजे से है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चोलुका टेबल में 4th पोजीशन पर है और टीग्रेस टेबल में 9th पोजीशन पर। चोलुका 8 गेम खेली है, 4 जीती है, 2 ड्रॉ करी है और 2 गेम हारे हैं। कुल मिलाकर 15 गोल स्कोर करे हैं, 9 गोल कंसीड करे हैं और ये 14 पॉइंट्स पर हैं। टिग्रेस 1 गेम कम खेले हैं, 7 गेम खेले हैं, पर ये 3 गेम जीते हैं, 2 गेम ड्रॉ करी है, 2 गेम हारे हैं, बट कुल मिलाकर केवल 10 गोल ही स्कोर कर पाए हैं। इस दरमियान 9 गोल जिन्होंने भी कंसीड करे हैं और 11 पॉइंट्स पर हैं। यदि ये गेम जीत जाते हैं, वेरी गुड चांस दे विल ब्रेक इन टू द टॉप 5। बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के पिछले कुछ गेम्स की परफॉर्मेंस की, तो टिग्रेस के पिछले 5 गेम अगर आप देखोगे तो क्लब वर्ल्ड कप की 2 गेम थी जहां वो फाइनल्स बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट 1-0 हार गए थे। उसके पहले पामेरास को उन्होंने 1-0 हराया। कुल मिलाकर पिछले 5 में से ये 2 गेम हारे हैं, 2 गेम जीते हैं और 1 गेम ड्रॉ करा है। अगर हम बात करें चोलुका की दोस्तों, तो पिछले 5 में से ये भी 2 गेम हारे हैं, 2 गेम जीते हैं, 1 गेम ड्रॉ करी है। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू नीड टू कीप वॉच हियर इज दे हैव केप्ट अ क्लीन शीट ऑन 2 ओकेजंस। 5 की 5 गेम इनकी लीग की थी, पुमास के अगेंस्ट क्लीन शीट रखी थी और एटलस के अगेंस्ट उन्होंने क्लीन शीट रखी थी। कुल मिलाकर 9 गोल स्कोर करे हैं। इस गेम में भी टिग्रेस हमारे हिसाब से विल स्टार्ट एज फेवरेट और उन्हीं को बैक करते हुए हम टीम बनाएंगे। जो स्कोरलाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 2-1 काइंड ऑफ होगी इन फेवर ऑफ टिग्रेस। कुछ की स्टार्ट की बात करें दोस्तों, तो टिग्रेस का डिफेंस थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। पिछले 3 मैचेस में लीग में जो खेले हैं, हर एक में उन्होंने 2 गोल कंसीड करे ही करे हैं। चोलुका का अभी फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। लास्ट 6 अवे गेम में से ये 5 बार हारे हैं और इन 5 गेम जो ये हारे हैं 1 गोल की मार्जिन से हारे हैं। रिसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखोगे तो दोनों टीम्स 3-3 बारी जीती है पिछले गेम मीटिंग में। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री चैनल है, आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, नॉट जस्ट फॉर दिस गेम बट ऐसी कई सारी क्रिकेट फुटबॉल की गेम्स होती है जिसका हम वीडियो प्रीव्यू नहीं करते हैं बट हमारी टेलीग्राम चैनल पर उसको कवर कर लेते हैं। उम्मीद है आपने अब तक का वीडियो लाइक भी कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिल जाती है। टिग्रेस की तरफ से अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड 11 में तो एन लोपेज वापस आ चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी विन है उनके लिए, बट नो अदर सरप्राइजेज एज सच। चोलुका के लिए भी समथिंग सिमिलर। कीपर्स की बात करते हैं तो फॉर टिग्रेस जिग्नैक इनके लीडिंग स्ट्राइकर हैं, 14 गोल्स 1 असिस्ट इनके, एंड लोपेज हैज स्कोर 10 गोल्स 2 असिस्ट और ये दोनों मस्ट हैव पिक्स है इस गेम में। एल क्विनोन्स हैज स्कोर 2 गोल्स 7 असिस्ट, सी गोंजालेस हैज स्कोर 2 गोल्स, अगेन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एल रोड्रिगेस हैज स्कोर 2 गोल्स 3 असिस्ट, एल फर्नांडिस की 1 गोल 2 असिस्ट है, मिर्जा 1 गोल 1 असिस्ट, सलसेडो जो कि डिफेंडर है 1 गोल है इनके, एक्विनो करके इनके जो मिडफील्डर है ही स्कोर 6 असिस्ट सो फार एंड कैन बी रियली इंटरेस्टिंग पिक। बात करते हैं दोस्तों चोलुका की, तो यहाँ से कनेलो 13 गोल्स 3 असिस्ट है, एस्त्राडा हैज गॉट 6 गोल 3 असिस्ट, सांबुएसा 4 गोल 8 असिस्ट और ये तीनों ही काफी क्रिटिकल होंगे इस पर्टिकुलर गेम में अगर आप देखोगे तो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कस्टनेडा हैज गॉट 2 गोल्स 1 असिस्ट, फिर इसके बाद सौरव हैज गॉट 1 गोल, ओर्टेगा जो कि इनके डिफेंडर है ही गॉट 1 गोल, एंड मोटा मोटा दोस्तों डिएगो एंड जे वास्केस बोथ ऑफ देम हैव गॉट 1-1 असिस्ट। ये हो गए की प्लेयर्स दोस्तों, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी पिक्स हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। आपको किसी और प्लेयर का भी कोई भी और एनालिसिस या कोई स्टैट चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर यू नो वीडियो के पार्ट को आप डिफर कर सकते हो। आपको वहाँ पे हमने सारी प्लेयर्स की स्टैटिस्टिक्स फॉर पिछले सीजन फॉर दिस सीजन हमने शेयर कर दी है। जैसे टीम इंडियन की बात करें तो रिकॉर्ड कनेलो एस्ट्राडा गिगना ये तीनों को पिक किया हुआ है। ऑल थ्री आर वेरी गुड कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी पिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर गेम एंड यू कैन चूज बिटवीन दीज थ्री। मोटा मोटा यही 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे अलॉन्ग विद एन लोपेज जो कि बहुत अगेन कड़क और उमदा पिक रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम के लिए। सांबुएसा कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन अलॉन्ग विद कास्टनेडा और ये हमारा दोस्तों 6-मैन अटैक इस पर्टिकुलर गेम के लिए बन जाएगा, बिकॉज वी बिलीव अगर गोल्स पड़ते हैं दोनों तरफ से तो दीज 6 पीपल विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व। इसके अलावा वी पिक्ड अप 3 डिफेंडर्स फ्रॉम टिग्रेस, गुजमान है, सलसेडो है, रेयर से, बिकॉज गलती से अगर क्लीन शीट आ भी जाती है एटलीस्ट वी हैव गॉट 3 प्लेयर्स फ्रॉम दिस साइड फॉर यू नो टू हेल्प अस विद अ क्लीन शीट पॉइंट्स। इसके अलावा जे टॉरेस एंड सालिनास इन दोनों को हमने पिक करा हुआ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, एक सैम्पल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 10 से 15 मिनट्स पहले हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यदि वो लिंक काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर सर्च कर सकते हो, लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद है आपने अब तक का वीडियो लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेशन दे देती है। याद है दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें लत लगने की पॉसिबिलिटी होती है, तो जितना अपना रिस्क एपेटाइट हो उसके हिसाब से ही प्लीज़ इसमें एंगेज करिएगा और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करोगे उसी में आपका फायदा है। उम्मीद है आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।